आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक्सट्रीम ग्लो अप टिप्स का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज होगी, पिगमेंटेशन, ओल्ड टैनिंग, ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन, क्लियर स्किन, ड्राई लिप्स एंड मोर। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, दिस इज मी कृतिका। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है एक्सट्रीम ग्लो अप टिप्स का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन के लिए फाइट करेगी। तो चलो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमारे हेयर्स को अच्छे से टाई कर लेंगे। टिप नंबर वन इज ओल्ड टैनिंग, जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, जो बहुत सारे यू नो एकदम धूप की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, फेस पे हो जाती है, हैंड्स पे हो जाती है, तो आप लोग ये वाली रेमेडी एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी है। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या लेना है ना, सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर। उसके बाद आप लोग को इसके अंदर ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी, एंड उसके बाद इसके अंदर आप लोग ऐड कर दो एकदम कच्चा दूध, रॉ मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स कर लो एंड आपके फेस पे बहुत ही अच्छे से एक लेयर अप्लाई कर लो, फेस मास्क की तरह आप लोग बिल्कुल अच्छे से आपके फेस पे इसे अप्लाई कर। अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद आप लोग इसे 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही रहने देंगे एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। आप लोग देखेंगे कि वन टाइम यूज में ही आपकी बहुत सारी टैनिंग रिमूव हो जाए। टिप नंबर सेकंड इज ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन, जो कि सबको चाहिए होती है, सबको अपनी स्किन पे एकदम यू नो प्यारा सा, एकदम सुंदर सा ग्लो चाहिए, एकदम ब्राइटनिंग स्किन चाहिए। तो आप लोग मेरे बोलने पे एक बार ये वाला फेस पैक जरूर ट्राई करो। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले आप लोग को चाहिए इसके अंदर राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, फिर आप लोग इसके अंदर या तो फिर बीटरूट जूस ऐड कर दो या तो फिर बीटरूट पाउडर ऐड कर दो, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हनी यानी कि शहद, फिर आप लोग एकदम अच्छी सी पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर दो थोड़ा सा दही यानी कि कर्ड। बिल्कुल अच्छे से इस फेस पैक को यू नो मिक्स कर लो, एकदम स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लो एंड देन आपके फेस पे बिल्कुल अच्छे से एकदम यू नो अच्छे से पेस्ट अप्लाई कर लो एंड आप लोग देखोगे कि मतलब इसको 15 मिनट्स तक ऐसे ही रहने दो एंड बिल्कुल आपकी स्किन पे एकदम यू नो पिंकिश ग्लो आ जाएगा, एकदम सुंदर सी ब्राइटनिंग आ जाएगी, एकदम ग्लो आ जाएगा। नॉट मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट दिस कोजी केयर स्किन लाइटनिंग क्रीम। अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे यू नो एक्ने स्कार्स हो गए हैं, सन स्पॉट्स हो गए हैं, एज स्पॉट्स हो गए हैं, अनइवन स्किन शेड है आपका, पिगमेंटेशन हो गई है, डिस्कलरेशन हो गई है, तो आप लोग को ये वाली क्रीम को एक बार जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। इसके अंदर कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स भी है, लाइक 3% कोचिक एसिड, 1% अल्फा आर्बिटिन, 1% ग्लूटाथायोन, 2% नाइसमाइड एंड 2% वाइटामिन सी, जो कि सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल भी है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ आप लोग को इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग हमारी स्किन को रिंस कर लेंगे विथ ल्यूकॉम वाटर एंड देन पैट ड्राई कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को यूज करनी है दिस स्किन लाइटनिंग क्रीम ऑन योर फेस एंड नेक, एंड उसके बाद आप लोग को अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपके फिंगर टिप्स की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से यू नो सर्कुलर मोशन में रब करना है, बहुत ही ज़्यादा जेंटली, जब तक आपकी क्रीम आपके स्किन में बिल्कुल अच्छे से यू नो एब्जॉर्ब ना हो जाए। एंड आप लोग को इसे दिन में 2 times यूज करना है टू गेट फेयर एंड ब्राइटर स्किन। रेगुलर यूज करने के बाद आप लोग को फील होगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है, जो भी रिंकल्स हो जाते हैं, एज स्पॉट्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस हो जाती हैं, वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएंगी। दिस फेस क्रीम ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ योर स्किन, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड कोजी केयर स्किन लाइटनिंग क्रीम। द टिप नंबर थर्ड इज एक्ने एंड पिंपल्स। लाइक मेरा कॉमेंट सेक्शन एकदम भर चुका है कि प्लीज क्लियर एक्ने एंड पिंपल्स के लिए कुछ रेमेडीज बताओ जो कि एकदम अच्छे से वर्क करें एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले हमको। तो आप लोग मेरे देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे से पिंपल्स हो रखे हैं नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड, तो आप लोग ये वाली रेमेडी ट्राई करो। एंड इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या लेना है, एलोवेरा पाउडर, एंड इसके अंदर आप लोग ऐड कर दो नीम का पाउडर, जो नीम की पत्तियाँ होती है ना उसको आप लोग पीस लो एंड उसका पाउडर आप लोग इसके अंदर ऐड कर दो बिल्कुल अच्छे से। एंड फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ या तो आप लोग रॉ मिल्क ऐड कर सकते हो, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कर्ड यानी कि दही, एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप लोग बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लो, बिल्कुल अच्छा सा एकदम स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लो। एंड जहाँ पे भी आपके पिंपल्स हो जाते हैं ना, लाइक एकदम डॉट डॉट करके आप लोग इस पेस्ट को अप्लाई कर लो। मैं अपने माउथ एरिया पे, नोज अराउंड बिल्कुल अच्छे से इस पेस्ट को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहीं पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं। एंड मैं आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर जरूर बताऊंगी, आप लोग यू नो एकदम इसको अच्छे से रिमूव करोगे ना आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। आप लोग इसे रेगुलर यूज करो, एकदम यू नो वीक में 1 times 2 times इसे अच्छे से आप लोग यूज करो एंड आप लोग को बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। टिप नंबर फोर्थ इज डार्क एंड पिगमेंटेड लिप्स। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे स्किन केयर कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से, बट हम लोग हमारे लिप्स को भूल जाते हैं, लिप केयर नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। आप लोग ये क्यूट सा बाउल देखो कितना क्यूट है। तो आज हम लोग एक बहुत ही फेमस रेमेडी बनाएंगे, आप लोग इसे ट्राई करना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर यूज़ किया है बीटरूट पाउडर, यानी कि आप लोग इसके अंदर बीटरूट जूस भी ऐड कर सकते हो। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा राइस फ्लावर, जो कि ब्राइटनिंग के लिए बहुत
बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा शुगर एंड अच्छा पेस्ट रेडी हो जाए उसके लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा रॉ मिल्क। बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसका पेस्ट रेडी कर लो एंड आप लोग को 5 मिनट्स तक स्क्रब करना है आपके स्किप्स पे एंड बिल्कुल अच्छे से थोड़ी देर के लिए रखने के बाद वॉश कर लो एंड आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे से लाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी आपकी स्किन एंड लिप्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। अगर टिप नंबर 5th इज हाइपरपिगमेंटेशन। हमारे फेस पे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है ना, लाइक टैनिंग तो होती है उसके ऊपर भी पिगमेंटेशन एकदम डार्क हो जाती है हमारी स्किन, तो आप लोग ये वाली रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करो। इसके लिए आप लोग को चाहिए ऑरेंज पील पाउडर जो कि बहुत ही अच्छा होता है लाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा एलोवेरा एंड थोड़ा सा मिल्क, बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से यू नो हनी भी ऐड कर सकते हो एंड अगर आपके फेस पे लेमन सूट होता है, बट आप लोग लेमन ना ही करो ना तो अच्छा रहेगा, लेमन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यू नो ख़राब होता है, तो आप लोग लेमन बिल्कुल भी मत करना एंड बिल्कुल अच्छे से इसे छोड़ दीजिए आप अराउंड 5 मिनट्स के लिए। फिर आप लोग इसे वॉश कर ले एंड आप लोग देखेंगे इंस्टेंट रिजल्ट्स जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे से आपकी पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगी। नाउ द टिप नंबर 6 इज, वैसे ये कोई टिप बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट जिसे बोलते हैं ना हम लोग टोनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए। तो आप लोग को इसके लिए चाहिए एक स्प्रे बॉटल, एकदम क्यूट सी स्प्रे बॉटल एंड उसके अंदर आप लोग ऐड कर लो एकदम प्योर रोज वाटर जो कि आप लोग घर में भी बना सकते हो, ठीक है। एंड फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल की, या तो फिर आप लोग इसके अंदर आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे से इसे शेक कर लो, मिक्स कर लो एंड आप लोग अपने फेस पे बिल्कुल अच्छे से इसे स्प्रे कर लो एंड आप लोग को इतना अच्छा सा फील होगा ना, लाइक एकदम रिफ्रेशिंग फील होगा, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल एकदम हाइड्रेट हो जाएगी आपकी स्किन, एकदम यू नो जिसे बोलते हैं ना ग्लो फ्रॉम विद इन, वो हो जाएगा। सच्ची बता रही हूँ, एकदम अच्छे से आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। आप लोग देखो इसे बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है, उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर कुछ अप्लाई करेंगे। अदर टिप नंबर 7th इज फेस मसाज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी फेस के लिए। लाइक आपके फेस का स्ट्रक्चर एकदम यू नो चेंज हो जाता है, एकदम ग्लो आने लग जाता है, बहुत ही अच्छे से नरिश हो जाती है आपकी स्किन, बहुत ही अच्छा होता है मसाज करना। मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है, आप लोग कोई भी फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से आप लोग को आपके फेस पे यू नो चीक्स को अपलिफ्टिंग डायरेक्शन में यू नो एकदम मसाज करनी है। अगर आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो। अदर टिप नंबर 8th इज, हम लोगों ने हमारे फेस पे बहुत सारे फेस पैक्स अप्लाई किए हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कोई भी चीज़ हो, आप लोग को फेस पैक्स अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन की बहुत ही अच्छे से केयर करनी होती है, तो आप लोगों को क्या करना है ना, बहुत ही अच्छे से कोई लाइट मॉइस्चराइज़र लेकर, नरिशिंग मॉइस्चराइज़र लेकर बहुत ही अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई कर लो, मसाज कर लो एंड बहुत ही क्यूट सी एकदम प्लम्पी स्किन हो जाएगी आपकी। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बिफोर एंड आफ्टर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। सो दैट्स इट अबाउट माई टुडेज वीडियो। आप लोगों ने बोला था कि हम लोग को सेकेंड पार्ट चाहिए, तो सेकेंड पार्ट भी आ चुका है, आप लोग बहुत सारा प्यार दो बस। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।